ब्रॉट टू यू बाय इन्फिनिक्स। कुछ लोगों के पास एक से बढ़कर एक शानदार आइडिया होता है, लेकिन अच्छे बिजनेस करने के लिए एक अच्छे आइडिया के अलावा पैसे का इंतजाम करना भी उतना ही जरूरी होता है। कई बार यूं होता है कि लोग पैसे का इंतजाम नहीं कर पाते और थक हार कर बैठ जाते हैं। अच्छा खासा आइडिया भी पैसे के अभाव में धरा का धरा रह जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सरकारी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे बिजनेस शुरू करने में ये पैसे वाली दिक्कत नहीं आएगी और आप मजे से अपना बिजनेस शुरू कर सकेंगे। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। देश में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने ये स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत आपको 10 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के मिल सकता है। आगे बढ़ने से पहले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। मोदी सरकार ने 2015 में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सरकार 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन देती है। योजना की सबसे खास बात यह है कि मुद्रा लोन लेने के लिए किसी भी गारंटी यानी संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस लोन पर आपको किसी तरह की प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देनी पड़ती है। अब जानते हैं कि मुद्रा लोन कहां पर मिलेगा। सरकारी बैंकों के अलावा कोऑपरेटिव बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और कई NBFC के जरिए ये लोन लिया जा सकता है। आमतौर पर बैंक मुद्रा लोन पर 10 से 12 फीसदी तक का ब्याज वसूलते हैं, लेकिन मुद्रा दर की ये ब्याज अलग अलग बैंकों में अलग अलग है। एक बात ध्यान देने वाली ये है कि एक साथ 10 लाख रुपए आपको नहीं मिलेंगे। मुद्रा स्कीम में बिजनेस की जरूरत के हिसाब से लोन मिलता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 3 भागों में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है शिशु लोन की। इसके तहत पहली बार अपना बिजनेस शुरू करने पर सरकार आपको 5 सालों के लिए 50,000 रुपए तक का लोन देगी, वो भी बिना किसी गारंटी के। पहले से बिजनेस कर रहे लोगों को कारोबार बढ़ाने के लिए भी लोन दिया जाता है। अगर आप 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो ये किशोर लोन की कैटेगरी में आता है। तीसरी कैटेगरी है तरुण लोन। इस कैटेगरी के तहत बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सरकार 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन देती है। अब चलते चलते ये भी जान लेते हैं कि स्कीम का फायदा लेने के लिए जरूरी शर्तें कौन सी हैं। कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 24 से 70 साल के बीच है वो मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। लोन एप्लीकेशन के जरिए आपके पास आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट, एड्रेस प्रूफ आदि की जरूरत पड़ेगी। इस योजना के तहत अप्लाई करने के लिए आपको mudra.org.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें और उसे अपने नजदीकी सरकारी या प्राइवेट बैंक में जाकर जमा कर दें। बैंक दस्तावेजों की जांच करेगा। अगर बैंक को आपके डॉक्यूमेंट सही लगते हैं तो आपको मुद्रा लोन के तहत पैसे मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जुड़ी यह जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। आपके लिए यह जानकारी जुटाई थी मेरे साथी प्रदीप यादव ने। पर्सनल फाइनेंस का ऐसा कोई भी टॉपिक जिसके बारे में आप हमसे समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाएं। तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।